पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा शहर पुलिस आयुक्त का पदभार संभालने के बाद उन्होंने अपने माताहत कर्मचारियों तथा शहर में अवैध धंधे करने वालों को बार बार चेतावनी देते हुए अवैध धंधे बंद रखने के आदेश दिए जा चुके हैं। विशेष तौर पर सभी थाने क्षेत्रों के डीबी कर्मचारी और अपराध शाखा टीम को भी चेतावनी दी जा चुकी है कि यदि किसी कर्मचारी का अवैध धंधे वालों से संबंध पाया जाता है तो उनकी खैर नहीं। बावजूद इसके शहर में पिछले कई दिनों से अलग अलग थाना क्षेत्र में वर्ली मटका, देसी कट्टे, गांजा तस्करी जैसे मामले उजागर हो चुके हैं, जिन पर पुलिस आयुक्त के विशेष दस्ते द्वारा दबिश देने का खुलासा भी हुआ है। तो अपराध शाखा टीम की कार्रवाई में बड़े पैमाने पर गांजा और देसी कट्टे भी पकड़े हैं। इन सब बातों को देखते हुए पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह की विशेष जांच तथा उन्हें मिल रही गुप्त जानकारी के आधार पर पिछले 24 घंटों में 6 पुलिस कर्मियों को मुख्यालय अटैच किया गया है। इनमें राजापेट के विनय मोहड़, राजेश पाटिल तथा अशोक वाटाने का मामला स्थानीय सराफा बाजार में हुए जेवरात से जड़ा हुआ बताया जाता है। वही भेजरपुरा के डीबी कर्मी सागर भसगावरे द्वारा वर्ली मटका व्यवसाय को इजाजत देने तथा अपराध शाखा के दीपक दुबे को लेकर शिकायत प्राप्त होने और नागपुर गेट के विलास कोवेलकर पर भी अवैध धंधे वालों से संबंध रखने की शिकायतें प्राप्त होने की जानकारी पुलिस आयुक्त को प्राप्त होने के बाद इन सभी को मुख्यालय अटैच किया गया है। पुलिस आयुक्त की इस कार्रवाई से सभी थाना क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों की माने तो फिलहाल यह कार्रवाई थमी नहीं है, आगामी दिनों में कुछ और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई का हंटर चल सकता है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य भर में लॉकडाउन लगाया गया है, कड़े निर्बंध जारी किए गए हैं, स्थिति बिकट हो जा रही है। ऐसे में प्रशासन की ओर से जिले में लॉकडाउन घोषित किया गया, जिसे व्यापारी ने अपना विरोध दर्शाया है। व्यापारी कामगारों के साथ विविध संगठना लॉकडाउन के विरोध में उतरी है। प्रशासन को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस संदर्भ में पत्र लिखकर जिले की राहत देने की मांग की है। इस बीच मंत्रालय सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जिले की स्थिति का जायजा लिया। जिलाधिकारी शैलेश नवाल ने उन्हें स्थिति से अवगत कराया और कोरोना नियंत्रण के लिए किए गए कार्यों के बारे में जानकारी दी, जिस पर विचार विमर्श के बाद शनिवार तक जिले का लॉकडाउन हटेगा या रहेगा इसे लेकर निर्णय हो सकता है। फिलहाल प्रशासन की ओर से जो निर्बंध लागू किए गए हैं उसके अनुसार कार्य करने की बात जिलाधिकारी ने कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की टीम कल और परसों के दिन जायजा लेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने सरकार की चिंता बढ़ा रखी है। सुबह में कोविड पूरी तरह से बेकाबू नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते सख्ती दिखाते हुए उद्धव सरकार ने मिनी लॉकडाउन का ऐलान किया है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक बड़ा बयान दिया है, जिससे चिंता बढ़ गई है। टोपे ने कहा कि मुझे शक है कि राज्य में नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में सिर्फ 3 दिन का स्टॉक बचा हुआ है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना महामारी ने कहर बरपाया हुआ है। राजेश टोपे ने कोरोना हालत पर बात करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि नए स्ट्रेन की एंट्री राज्य में हो गई है। जिले में कोरोना की दूसरी लहर फरवरी माह शुरू हुई थी। इस समय रोजाना करीब 1000 मरीज कोरोना संक्रमित पाए जाते थे। बीते 2 माह में कोरोना पर काफी नियंत्रण पाया गया और संक्रमित मरीजों की संख्या 300 के बीच आ गई है। इसके बाद भी जिले में लॉकडाउन लगाया व्यापारी व आम जनता के लिए अन्यायकारक है। इस बात को देखते हुए तत्काल लॉकडाउन हटाया जाए, अन्यथा 9 अप्रैल से सभी दुकानें के शटर खोल दिए जाएंगे, ऐसी चेतावनी आज भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ने जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से दी। स्थानीय सरोज चौक परिसर के हनुमान मंदिर के पास स्थित 100 वर्ष पुरानी 2 मंजिल इमारत देर रात के समय अचानक ढह गई। सौभाग्य से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आज सुबह से ही बुलडोजर के द्वारा इमारत का मलबा हटाने का काम शुरू किया गया।